हम पियाले के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं शायद। उसने भैया को धोखे में रखा कि उन्हें कैंसर है, इसलिए भैया ने शादी के लिए हाँ की थी, तो धोखाधड़ी का केस तो बनता ही है। नहीं बनता है, अभी वकील साहब से बात करके आ रहा हूँ। वो मानते हैं कि पियाली ने सुरेश को धोखा देके बताया कि सुरेश बीमार है, लेकिन सुरेश ने खुद फैसला किया पियाली से शादी करने का। हाँ, पर डैड वो फैसला इसलिए लिया भैया ने क्योंकि उन्हें धोखे में रखा गया था। हाँ बेटा, लेकिन कानून की नजर में अपराध नहीं। तो हम पियाली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? सॉरी बेटा, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने पियाली को घर से बाहर निकाला तो कानून की नजर में वो गलत होगा, और कानून हमारा साथ नहीं देगा बल्कि पियाली का साथ देगा। शातिर निकली पियाली, कितनी बेवकूफ थी मैं, जीजी माँ के खिलाफ हो गई, जीजी माँ के लिए जूझती रही, उनका घर टूट गया पापा, और मैं कुछ नहीं कर पाई। सोचो सुरेश को क्या लग रहा होगा, उसने इन सब बातों में आके खुद अपने हाथों से अपना घर फूंक दिया। अभी तो आपको पूरी जिंदगी इस शादी को निभाना है सुरेश, इस सजावट को हटाकर क्या मतलब, क्या हासिल हो जाएगा आपको? फाल्गुनी, देखो तुम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जो हुआ जिस हालात में हुआ, सच्चाई यही है कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और ये जो मुश्किल आई है ना, इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। कोई हल नहीं है हस्बैंड जी, चलो बहना अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ। शायद तुमने देखा नहीं, आज मेरी सुहागरात है, हस्बैंड जी के साथ। कितना सही सोचता था मैं तुम्हारे बारे में, तुम एक नंबर की बदतमीज, धोखेबाज और पत्थर दिल औरत हो। पता नहीं तुम्हारी बातों में कैसे आ गया, और तुमने एक मिनट में मेरी सारी खुशियां, मेरा प्यार छीन लिया। सुहागरात के दिन गुस्सा करोगे? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारी सुहागरात होगी? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी जीवन साथी फाल्गुनी है, फाल्गुनी थी और फाल्गुनी रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। किसने हक दिया तुम्हें फाल्गुनी की चीजों को हाथ लगाने का? एक बात सुन लो, तो फाल्गुनी की चीजें यहां से कहीं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? अब ये कमरा मेरा है, तो उसकी चीजों का यहाँ क्या काम? और वैसे भी वो इस घर में थी तुम्हारी पत्नी की हैसियत से, तो अब उसे इस घर में क्यों होना चाहिए? अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए, आखिरी बार प्यार से आप सबको समझा देती हूँ। अग्नि को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ मेरी सुयश के साथ शादी हुई है, पत्नी का हक तो इन्हें मुझे देना ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि मिट्टू के होते हुए ये हो पाएगा। तो उसे तो जाना होगा। मिट्टू तू बिल्कुल चिंता मत कर, इस शहर में मेरा अपना घर है, आराम से जब तक मन करे ना वहां पर रहे,
वो यहां से जाना होगा। चीची मां कहीं नहीं जाएगी। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो है आप। जबरदस्ती दिखाकर जीजू का प्यार नहीं पा सकती आप। इस घर में आपको कोई भी भैया की पत्नी नहीं मानता और ना ही इस घर की बड़ी बहू। ये दर्जा मेरी भाभी मां का है और उन्हीं का रहेगा। प्याली, हम सब जानते कि तुमने शादी धोखे से की है। फाल्गुनी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी इस घर से। प्याली ठीक कह रही है, मेरा इस घर में रहने का अब कोई हक नहीं। बेहतर होगा मैं यहां से चली जाऊं। जीजीमा, ये क्या कर रही हैं आप? जीजीमा प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए जीजीमा, प्लीज जीजीमा, ये प्लीज रुक जाइए जीजीमा, आप कहीं नहीं जाएंगे जीजीमा, आप प्लीज रुक जाइए। अरे बिट्टू, ये तो रह गई। जीजीमा प्लीज रुक जाइए जीजीमा, जीजीमा। नहीं बिट्टू, ना तो कोई मुझे जाने से रोकेगा और ना ही कोई मेरे पीछे आएगा। तुम्हें तुम्हारा पति मुबारक हो प्याली। फाल्गुनी, अब मेरे कर्मा को छुड़वा दीजिए प्लीज। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब उसे आजाद करवा दीजिए प्लीज। चीची मां प्लीज रुक जाइए। चीची मां, ये क्या कर रही हैं आप? भाभी मां, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ फाल्गुनी, हमारे लिए इस घर की बड़ी बहू तुम ही हो। रुक जाओ फाल्गुनी, भाभी मां। फाल्गुनी, मान लो मेरी बात, रुक जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। देखो, मेरी की हुई गलतियों की सजा अपने आप को मत दो। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे। आपकी गलती की सजा तो अब हम दोनों पाएंगे सुयश, और कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे रोकने का हक खो चुके हैं। जीजी मां, अगर आप यहां से जाएंगी तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। तुझे तो यहां रहना होगा बिट्टू। अगर तू यहां नहीं होगी तो विधान और पापा का ध्यान कौन रखेगा? प्याली इनकी फिक्र नहीं करेगी। तू इस घर की छोटी बहू है ना, तो अब ये जिम्मेदारी तुझे निभानी है। नहीं बेटा, ये जिम्मेदारी और ये हक सिर्फ तुम्हारा है। भाभी मां के बिना ये घर घर नहीं रहेगा। अगर आप सब लोग मुझे इतना ही प्यार करते हैं तो प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाइए और मुझे यहां से जाने दीजिए। सुरेश, देख कह रहे हो बेटा, रोको फाल्गुनी को। फाल्गुनी सही कह रही है डैड, मैं इसे रोकने का हक खो चुका हूं।
बहुत गलत फैसले लिए मैंने, बहुत दुख पहुंचाया मैंने इसे, और अब इन सब की सजा मुझे मिलनी चाहिए। फाल्गुनी की यहां से जाने के बाद ही मुझे एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है।